नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों आज हम लोग दुकान में लगे हुए शटर के लॉक का कार्य विधि बिल्कुल पूरी विस्तार से जानेंगे। मैं आ गया हूं ऐसे दुकान में जहां पे शटर बनाए जाते हैं और ये देखिए ये लॉक पैड तैयार है। इस तरह से आप देख सकते हैं ये ताला लगाने के लिए बनाया हुआ है। यहाँ पर चाबी लगती है। ये जो है वो बाहर से इस तरह से कुछ दिखती है। बाहर से जब किसी दुकान को देखते हैं तो इस तरह से, इसके अंदर में किस तरह से कार्य विधि रहता है यही मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं। ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि ये इसका लॉक किस तरह से काम करता है ताकि आगे चल करके आपको इससे लाभ हो सके। इस तरह से आपको कुछ चीज़ें जो है पूरी तरीके से नहीं दिख पा रही है। चलिए मैं आपको उल्टा कर देता हूँ, इस पूरे लॉक पैड को उल्टा कर देता हूँ। आप देख रहे, ये देखिए, ये अंदर से इस तरह से ये लॉक लगाए जाते हैं और ये ताला पट्टी इसको बोलते हैं, इसी में ताला लगाया जाता है। और ये जो हमारा शाफ्ट है, ये जो शाफ्ट है, ये जो पत्ती देख रहे हैं, पत्ती से जो शाफ्ट बनाया हुआ है, और यहाँ देखिए ये हमारा लॉक है। ठीक है, ये लॉक जो है, ये पत्ती हमारे जैसे ही ऊपर जाती है ये इसमें लॉक करते हैं तो ये पत्ती को नीचे नहीं गिरने देती। आपको फिर से दिखाऊंगा एक बार, ये देखिए ये जो लॉक है इससे एक शाफ्ट निकलती है और इस पत्ती को जो है वो नीचे नहीं आने देती। ये वेल्डिंग किया हुआ है लॉक लॉक पैड में, और जब ये नीचे नहीं आता है तब तक हमारा जो शाफ्ट रहता है वो ऊपर की तरफ रहता है। और मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा, ये देखिए ये जो है ऊपर की तरफ रहता है और हमारे जो गाइड में बने हुए एक पैटर्न रहता है उसमें जाके ये फंस जाता है और कुछ इस तरह से जो है वो ये लॉक काम करता है। दोनों साइड जो है वो सेम ही तरह के जो है वो, ये देखिए ये जो हमारा शाफ्ट है इसी वाले में फंसता है। ये जो आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा एक्सटेंड किया हुआ, थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है नीचे में, उसी में जाकर के वो पत्ती फंस जाता है और शटर हमारा ऊपर की तरफ नहीं उठता है जब तक हम लोग चाबी से नहीं खोलते। तो फिर मिलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।